Welcome to my channel. In this channel, we provide you English vocabulary with Urdu meaning. Without, without का मतलब है के बगैर. Soon, soon, soon का मैंने है जल्द ही. Some के मतलब है कुछ. Near, near कहते हैं नजदीक या करीब को. Off, आपने ओ एफ को आफ पढ़ना है और इसका मतलब है का के या की. ओ डबल एफ को आप ऑफ पढ़ेंगे. ऑफ इसका मतलब है परे यानी थोड़ा दूर या किसी चीज को बंद करना. जैसे हम कहते हैं कि टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो. तो इसके दो मैनी हैं. एक है परे यानी थोड़ा दूर या किसी चीज को बंद करना. ऑन, ऑन का मतलब है पर. और इसका दूसरा मतलब भी है, जिस तरह से ऑफ है किसी चीज को बंद करना, तो इसका मतलब है किसी चीज को ऑन करना, किसी चीज को चला देना. आउट, आउट का मैनी है बाहर, या जो आउट हो जाता है मैच में आउट हो जाता है, ये वो वाला आउट भी है. उसका भी मतलब है बाहर हो जाना, बाहर होना. आउटसाइड, आउटसाइड का मैनी है बाहर की जाने, बाहर की तरफ. ओवर, ओवर कहते हैं ऊपर को. व्हेन, व्हेन को हम यूज करते हैं कोई टाइम पूछने के लिए और इसका मतलब है कब या जब. वेयर, वेयर का यूज किया जाता है किसी जगह का पूछने के लिए और इसका मायने है कहां या जहां. वेरी, वेरी का मायने है बहुत. यूजली, इस वर्ड को अक्सर लोग गलत बोल जाते हैं, गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं, तो आपने इस वर्ड को पढ़ना है यूजली. और इसके मायने है आमतौर पर. मच, मच का मायने है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मोर, मोर का मतलब है ज्यादा. मे बी, मे बी वर्ड हम यूज करते हैं जब हमने कहना हो सकता है, शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी इम्कान जाहिर करने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे बी यूज करते हैं. many, many का मतलब है बहुत ज्यादा, यानी इसको हम यूज करते हैं किसी चीज की तादाद बताने के लिए. how many, how many का मतलब है कितने, और इसको हम यूज करते हैं किसी चीज की तादाद पूछने के लिए, जैसे कितने लोग हैं. तो आप लोगों का या किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए के तादाद कितनी है, कितने हैं, तब आप हाउ मैनी वर्ड यूज करेंगे. देयर, देयर का मतलब है वहां, यानी दूर के लिए हम देयर वर्ड यूज करते हैं और इसका मतलब है वहां. और करीब के लिए, पास के लिए हम यूज करते हैं हियर, एच ई आर ई, हियर. हियर का मतलब है यहाँ. Quickly, quickly का मतलब है जल्दी से, फौरन से. Not, not का मतलब है नहीं. Not yet, इसका मतलब है अभी नहीं. Not, नहीं, yet, अभी, यानी अभी नहीं. Never, never का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं, यानी सीधा सीधा इनकार कर दिया कि कभी नहीं. Sometime, sometime का मायने है कभी कभार, कभी कभार. Perhaps, ये वर्ड है perhaps, इसका मतलब है शायद. Probably, probably इसका मायने है गालबन या शायद. During, during का मायने है के दरमियान.
क्रॉस, अक्रॉस का मतलब है उस पार, या इसका मतलब ये भी है कि आर पार। स्टिल, स्टिल के मैनी है अभी भी, और इसके दो यूजेस हैं। एक तो इसका यूज ये है कि आप अगर कोई काम जारी है और उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप तब स्टिल का यूज करेंगे, जैसे इज ही स्टिल वर्किंग, तो यहाँ पे दो बार इज आ गया तो आपने एक बार इज यूज करना है, यानी शुरू में। इज ही स्टिल वर्किंग, तो आप अगर कोई काम जारी है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये काम अभी तक जारी है, एक तो इसका ये यूज है। एक इसका यूज ये है कि अगर कोई काम जारी हो, आप उसका बताना चाह रहे हैं कि ये काम अभी तक जारी है, तो तब आप स्टिल का यूज करेंगे, जैसे He is still working, वो अभी तक काम कर रहा है। तो इसके ये दो यूजेस हैं। Yet, दोस्तों yet और still ये थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, बंदा इनको जब यूज कर रहा होता है तो इनको यूज करते वक्त बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे मैं yet यूज करूँ या still यूज करूँ। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपने स्टिल का यूज सीख लिया है। अब हम सीखते हैं कि येट को हम कहाँ पे यूज करेंगे। येट क्या, येट के मैनी है अभी तक, यानी अभी तक, और इसके भी दो यूज हैं। एक तो ये है कि अगर कोई काम मुतवक्के है, यानी आप कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और वो अभी तक नहीं हुआ है, तो तब आप येट का यूज करेंगे, और ये सेंटेंस के हमेशा आखिर पे आता है, जैसे द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, यानी अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची है, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 बजे ट्रेन आएगी, तो वो अभी तक नहीं आई है, ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है, तो आप तब येट का यूज करेंगे। दूसरा इसका यूज है कि अगर कोई काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये काम अभी तक हुआ है या नहीं, यानी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो तब इसका यूज करेंगे। एक आपने याद रखना है कि नेगेटिव में यूज करते हैं और एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं ये देख लेते हैं। Has Ali finished work yet? क्या अली ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? तो इसमें भी येट लास्ट से यूज हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको स्टिल और येट का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है वरना या नहीं तो। नाउ, नाउ का मैनी है अब। एट लीस्ट, ये वर्ड है एट लीस्ट, कम अज कम, कम अज कम। एट लास्ट, एट लास्ट इसके मैनी है आखिरकार। सर्टनली, सर्टनली इसका मैनी है यकीनन, बिला शुबा या बेशक। डाउट, डाउट में बी साइलेंट है, बी को आपने प्रोनाउंस नहीं करना है, वर्ड है डाउट। डाउट कहते हैं शक को, शुबे को। डेट, यहाँ पे भी बी साइलेंट है, डेट, डेट के मैनी है कर्ज। होल, होल का मतलब है मुकम्मल या पूरा, यानी कंप्लीट। लैम, लैम कहते हैं भेड़ के बच्चे को। क्लाइम, क्लाइम का मतलब है ऊपर चढ़ना, और इसमें भी बी साइलेंट है, आपने बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, क्लाइम ऊपर चढ़ना। डम, यहाँ पे भी आपने बी को साइलेंट रखना है, ये वर्ड है डम। डम के मैनी है गूंगा। थम, थम के मैनी है अंगूठा, और यहाँ पे भी बी साइलेंट है। बाम, बाम के मैनी है बम। पार्ट, पार्ट के मैनी है हिस्सा। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब है जुदा होना, अलग होना। सालम, सालम का मतलब है संजीदा। आटम, आटम कहते हैं खजान को। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो